महत्वपूर्ण और कितना गौरवान्वित ये पल रहा? निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मौका है जब हम देख रहे हैं कि आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया है। मौके पर जो लालकृष्ण आडवाणी का आवास है दिल्ली में, वहां पर जब ये कार्यक्रम हो रहा था सम्मान समारोह, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमने देखा कि तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस सम्मान समारोह के दौरान मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मौका है। हम सब जानते हैं लालकृष्ण आडवाणी का जो एक जीवन रहा है, एक तरह से देखें राजनीतिक जीवन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से पड़ाव से गुजरते हुए तकरीबन 7 दशक तक सक्रिय राजनीति में वो रहे, और जिस तरह से एक राजनीतिक शुचिता के वो मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक रथी यात्री के तौर पर हम उन्हें राजनीति में देखते हैं। न केवल राम मंदिर आंदोलन के लिए रथ यात्रा लालकृष्ण आडवाणी ने निकाली, बल्कि ऐसी 6 बाद में रथ यात्राएं भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग कार्यक्रमों में लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में निकली, और जो विभिन्न अहम पदों पर वो रहे, गृहमंत्री के तौर पर हो, देश के उप प्रधानमंत्री के तौर पर हो, बहुत ऐतिहासिक फैसले उन्होंने लिए। तो निश्चित तौर पर राजनीति में शुचिता के एक मिसाल के तौर पर भी उन्हें जाना जाता है, और आज उनके घर पर ये कार्यक्रम रखा गया उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से, और हमने देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा। तो बहुत बड़ा मौका है एक तरह से देखें भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के लिए भी। और हमने लालकृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी से भी बातचीत की, वो भी बहुत प्रसन्नचित थी इस मौके पर। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।